अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो फकीरी रंग चैनल। मैं सर्वे करी फिर हाजिर आप की खिदमत अज का यह पैगाम लगे। अज के इस पैगाम आप जी हजरत शेख अब्दुल कादर शाह जिलानी उन्होंने जीवन के एक किस्सा साझा करांगा। कहते हैं कि एक बारी हजरत पीर मीरा गौस पाक सरकार अपने कुछ दोस्तों के नाल पुराने बुजुर्गों दी कबरां दे उपर जियारत ले गए। जदों वह कबरां दे उपर गए तो उन्होंने विचों एक कबर सी शेख हमाद रहमतुल्लाह। यह कबर शेख हमाद जी की सी ते गौस पाक सरकार जी इस कबर के कोल जाके बड़ा समा खड़े रहे, चुप करके काफ़ी समा उस कबर के कोल खड़े रहे ते नाल उन्होंने जो लोग सन वह भी चुपचाप सरकार जी वाल देखते रहे। हुण बड़ी देर जो सरकार जी कबर के कोल खड़े रहे ते जदों वह कबर के कोलों कुछ समय बाद अगे तुरे तो बड़े खुश होए, खुशी दे नाल उन्हां दा चेहरा चमक उठिया, बड़ी खुशी उन्हां दे चेहरे दे उपर सी। तो जो लोग सन उन्हां दे नाल उन्होंने पूछा कि सरकार जी के खुश रहन दा कारण की है, तुसी बड़े खुश होए हो, पहला चुप सी एकदम खुश हो गए, इसका की कारण सी? तो सरकार कहन लगे कि जिहड़ी कबर दे कोल मैं खड़ा सगा शेख हमाद जी, कहिंदे कि बहुत समय पहले दी गल है कि असी जुम्मे की नमाज पढ़न जा रहे सी, बड़ी ठंड सी, शेख हमाद जी मेरे नाल सन ते जो असी दरिया के पुल के उपर दी लंघन लगे, सियाला के दिन जो असी पुल के कोल दी लंघन लगे तो शेख हमाद जी ने मैनू धक्का देता। कहिंदे जो मैनू धक्का दिता तो मैं पानी के बिच डिग पिया, पानी बड़ा ज़्यादा ठंडा सी, तो कहिंदे मेरे एक कमीज पाई, पतला पतली जी कमीज पाई तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा, तो एक बांह दे विच मेरी कमीज के कागज़ सन तो उस हाथ नूं मैं उपर चक्की रखिया, वो हाथ मेरा गिला नहीं होण दिता तो बाकी सारा शरीर मेरा पानी दे विच सी। तो जो कहिंदे मैं पानी दे विच डिगया तो मैं जुम्मा नहाउण की नीयत कर ली कि मैं जुम्मा नहा रहा हाँ। कहिंदे ते उस गल नूं जो नाल दे साथियां देखिया उन्होंने मैनू बचाउण की कोशिश की पर मैं उन्होंने डांटता कि नहीं ये तुसी मैनू बचाउणा नहीं, मैं अपने आप बाहर आ जावांगा। ज़्यादा सर्दी सी कहिंदे ते कुछ समय बाद मैं जो पानी चो बाहर आया तो फिर असी जुम्मा पढ़न गए। तो सरकार जी कहिंदे कि ये उही शेख हमाद जी की कबर सी जिहदे कोल मैं जाके देखिया कि वह कबर के विच पै ने बहुत खुश सी, पर उन्हां दा जिहड़ा हाथ सी वो एक थां ते इदां रुकिया होया सी। मैं कहिंदे उन्हां नूं पुछिया तुहाडा हाथ एक थां ते रुकिया होया इहदा की कारण है कि तुसीं बाकी खुश हो, बातल रूप दे विच तुसीं अगे पिछे जांदे हो, अपने मुरीदां नूं दीदार दिंदे हो, पर एक हाथ तुहाडा इदां ही खड़ा रहिंदा है सीधा, यह हाथ तुहाडा किसे पासे नूं घूमदा नहीं, इहदा की कारण है? तो कहिंदे शेख हमाद जी ने कहा कि सरकार जी ये उही हथ है जिस दे नाल मैं तुहानू उस पुल तो धक्का दिता सी, अगर तुसी मेरे हक च दुआ करो तो यह मेरा गुनाह माफ़ हो जाए, तुसी मैनू माफ़ कर देवो तो यह मेरा हथ ठीक हो जाए। कहिंदे जदों सरकार जी ने उन्हां दे हक दे विच दुआ कीती ते उत्थे होर जिन्नियां वी आगे नाल कबरां सन उन्हां दे विचों कहिंदे ने कि 300 तो ज़्यादा कबरां दे विच आमीन की आवाज़ आई ते वह दुआ कबूल हो गई ते शेख हमाद जी दा हथ जिहड़ा सी ठीक हो गया ते वह हुण हथ जिहड़ा सीगा हिल सकदा सी जो कि पहला हिल नहीं सकदा सी। तो ऐसी करामत सरकार जी दी कि बातल रूप दे विच भी जिसने गुनाह किया है उसनों भी सजा सी।
क्योंकि सरकार जी का रुतबा बहुत उच्चा है। सरकार जी के जो मरीज ने इस वाक्य सुन रहे हैं, जो असी सरकार जी को मानते हैं या उन्होंने नाल कोई अहद करते हैं तो अगर असी विच कुछ गलती करते हैं तो उसकी सज़ा जरूर मिलेगी, पर वो इन्ने दयालवी ने माफ भी कर देने। उस शेख हमाद जी ने जो जींदे सी उस टाइम के गुनाह किया, जो वो दुनिया तो चल गए बातल रूप के चले गए तो उस वक्त जाके उन्होंने गुनाह माफ किया गया। ऐसी करमनवाजी हजरत शेख अब्दुल कादर शाह जिलानी महबूबे सुभानी कुतुब रबानी बलिया ने बली पीर ने पीर दस्तगीर पीर मीरा गौस पाक सरकार जी दी। अगर आप जी को किस्सा पसंद आया हो तो साझा जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। जल्द हाजिर होवांगा नवी वीडियो नाल। तद तक लई हक मुर्शिद सच मुर्शिद।